तो कैसा लगा दोस्तों हमारा छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंटल। मैं इसी तरह मैं कुछ कुछ अपना काम करते रहता हूँ, स्टूडियो में कुछ वर्क करते रहता हूँ, म्यूजिक प्रोडक्शन वर्क। जैसा मैं पियानो जो कंपोज किया हूँ, जैसा कि एक बहुत सारा कुछ मैं अपना एक क्रिएटिविटी करते रहता हूँ कुछ ना कुछ म्यूजिक में, या पैड अपटो हो, कीबोर्ड हो, कंपोजिंग हो। तो इसी तरह मेरा चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नया नया मैं आपको नया नया वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो नया जो व्यूवर्स है तो प्लीज़ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। बहुत ही जल्दी मैं इस तरह नया नया एक वीडियो लेकर आते रहूँगा। और मेरा जो सेकेंड यूट्यूब चैनल है RBMS टैलेंट नेटवर्क, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। और तीसरा मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको म्यूज़िक सीखना है, जैसा कीबोर्ड हो, पैड हो, परकुशन इंस्ट्रूमेंट, कॉन्गो हो, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फुल आपको कीबोर्ड और ऑक्टोबर जो मैक्सिमम जो वेस्टर्न नोटेशन भी है, हिंदुस्तानी भी है, स्टाफ नोटेशन जो वेस्टर्न नोटेशन, मैं उसे भी सिखाता हूँ। तो किसी को अगर सीखना है स्टाफ नोटेशन के साथ कीबोर्ड या ऑक्टोबर, तो प्लीज़ ज़रूर कॉन्टेक्ट करिए। इसी तरह आगे भी मैं कुछ ना कुछ अपना करते रहता हूँ। और जो म्यूज़िक ऐसा एक चीज़ है, सब कुछ सीखना चाहिए। म्यूज़िक से क्या है, आपका माइंड फ्रेश रहता है और कोई भी टेंशन नहीं रहता है, और आपको एक सीखने का मौका मिलता है। जो उम्र में सीखना चाहिए वही उम्र में सीख सकते हैं, उसके बाद बहुत डिले हो जाता है, टाइम नहीं मिलता है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो जब आपको जब भी टाइम मिलता हो तो ज़रूर सीखिए, म्यूज़िक सीखने से अच्छा है। और आपको उसमें कुछ भी इंस्ट्रूमेंट हो, जैसा कि गिटार हो, कोई भी तबला हो, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट, वायलिन, एनी इंस्ट्रूमेंट, आप सीखिए जरूर। उसमें आपको क्या मतलब, कम से कम बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। बहुत जन का है, बहुत सीखना चाहता है, उसको टाइम भी नहीं मिलता है कुछ काम से, तो थोड़ा टाइम निकालिए, म्यूज़िक सीखने से बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरे से जो भी मैं आपको सिखाऊंगा, वेस्टर्न नोटेशन हो या कोई भी हिंदुस्तानी नोटेशन हो, तो मैं ज़रूर आपको सिखाऊंगा। तो किसी को अगर म्यूज़िक क्लास ज्वाइन करना है तो हमारा क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको अपना स्क्रीन में दे दूंगा, आप नोट लीजिए। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।